क्या हम जानते हैं भगवान कृष्ण ने कंस का वध क्यों किया? कौन था भगवान कृष्ण के 6 भाइयों का हत्यारा? नमस्कार, मैं हूँ मोहित शर्मा। ये सवाल हमारे दिल में बार बार आता है कि भगवान कृष्ण ने कंस का वध क्यों करा। कंस उग्रसेन जी का पुत्र था, वह इतना निर्दयी अत्याचारी था कि उसने पिता को भी कालकोठे में बंद कर रखा था। कंस की बहन देवकी जी थी। जब देवकी जी और वासुदेव जी का विवाह हुआ, विवाह के बाद वह हमको जब छोड़ने जा रहे थे उनके घर, तो आकाशवाणी हुई कि कंस का वध करने वाला जल्द आने वाला है। देवकी जी और वासुदेव जी का जो 8वीं संतान होगी, वह उसका वध करेगी। ये सुनकर अत्याचारी कंस बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ और उसने वासुदेव जी को और देवकी जी को काल कोठरी में बंद कर लिया। वह इतना निर्दयी था, रावण की तरह अहंकारी था कि उसने उनके जन्मे 6 पुत्रों का वध कर दिया। कंस को फिर भी समझ नहीं है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि जब शक्ति होती है तो हम बहुत गलतियां करते हैं। उसके बाद बलराम जी का जन्म होने वाला था। वासुदेव जी और देवकी जी ने योग क्रियाओं से उनको किसी अन्य महिला के कोख से जन्मा, और जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, इस सृष्टि के पालक भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, तब ऐसा हुआ कि कोई सोच भी नहीं सकता। सारे के सारे जेल के दरवाजे खुल गए। जितने सैनिक थे वह निर्जल अवस्था में चले गए, वह सो गए, और मेरे कृष्ण का जन्म हुआ। और उनके पिता वासुदेव उन्हें नंदगांव ले गए, जिससे कि वह कंस के अत्याचार से उसे बचा सके। कंस बड़ा क्रोधित हुआ, वह इधर उधर भागता रहा, उसके असुर की सेना भागती रही कि कैसे ना करके कृष्ण का वध करा जाए, लेकिन वह संभव नहीं हो पाया क्योंकि भगवान कृष्ण थे। फिर कुछ सालों बाद भगवान कृष्ण और बलराम को कंस ने मथुरा में आमंत्रित किया, लेकिन उसके पीछे उसका प्रपंच था कि भगवान कृष्ण का वध करना। अब भगवान कृष्ण भी जानते थे कि वो समय आ गया है कि कंस का वध करना है। आप एक चीज ध्यान दीजिए कि अपना मामा का भी उन्होंने वध किया, वह क्यों मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। जब वह उनके मथुरा लोक में गए तो उन्होंने असुरों की सेना भगवान कृष्ण की ओर छोड़ दी। भगवान कृष्ण सबका वध करते हुए आगे बढ़ते गए और अंत में आके उन्होंने अत्याचारी अहंकारी निर्दयी कंस का वध कर डाला, क्योंकि ये तो आकाशवाणी हो चुकी थी कि कंस का वध स्वयं विष्णु अवतार भगवान कृष्ण करेंगे। ये चीज हमको एक सीख देती है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण कहीं ना कहीं हमको बचा लेंगे गलत काम करने के बाद। भगवान कृष्ण ने जब गलत काम करने वाले अपने मामा को नहीं बख्शा, तो वह किसी को नहीं बख्शेंगे। अहंकार हमारे को डुबोता है, और जो कृष्ण की लीला है, कृष्ण के अंदर विश्वास और हमेशा नाम स्मरण हमें आगे बढ़ाता है। हम सभी को कृष्ण के नाम जाप में हमेशा लीन रहना चाहिए। वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे भगवान कृष्ण को मजबूरन वध करना पड़े। भगवान कृष्ण जब द्रौपदी का तीर हरण हो रहा था तो वह साक्षात आ गए, और जब कंस का अत्याचार बढ़ा तो वह साक्षात आ गए। हमारे अंदर भी कृष्ण और हमारे अंदर भी कंस है। ये हमारा निर्णय है कि हम अपने अंदर से किसको जगाते हैं, कृष्ण को या कंस को। जय श्री कृष्ण।